क्या कहना चाहिए? अभय जी के बारे में व्यक्तिगत आपने पूछा, अभय जी बहुत ही काफी करीबी मित्र हैं, इस विषय में आप ज्यादा बेहतर उनको जानते हैं और काफी समझते हैं, तो इसीलिए सवाल आपसे किया गया है। अभय जी ह्यूमन नेचर बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं और खास करके फिल्म इंडस्ट्री के लिए और उसमें भी प्रोड्यूसरों के लिए खास करके हमेशा उनका एक प्रयास रहा है कि निर्माता जब कोई फिल्म बनाता है तो उससे सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है, तो विशेष रूप से वो सभी लोगों का ध्यान रखते हैं कि निर्माताओं को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। इम्पा में वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, अभी इस समय हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे शख्सियत उनके टीम में है कि जैसा कि अभी अभय जी ने कहा, ऐसा लगता है कि हम चुनाव जीत गए लेकिन ये चुनाव है। हम सभी जो भी इम्पा के मेंबर्स हैं, वोटर हैं, सभी से संपर्क कर रहे हैं, लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं कि बहुत अच्छा टीम मिला है अभय जी के नेतृत्व में। आप लोग की विजयी 16-16 और 5-5 और 23-23 सारी सीटें हम जीत रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि इस वोटरों के लिए जो इस तरह से वो बात कर रहे हैं अभय जी के नेतृत्व में, और सभी समाज से लोग, मराठी समाज से, गुजराती समाज से, हिंदी के बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं और हमारे सब सीनियर हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री की पूरी टीम है उसमें। मैं चाहता हूं कि 23-23 सीटें चुनाव उनके नेतृत्व में चुन के आए हम लोग और इम्पा में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन लाया जाए। बाकी बहुत सारी बातें विजय जी सीनियर हैं आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं विजय पाटकर। आपने मुझे काफ़ी फिल्मों में एज एन एक्टर देखा होगा लेकिन मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि अभय सिन्हा जी यहाँ है इसलिए मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इन लोगों से मैं 9 साल से जुड़ा हूँ। 9 साल से मैं देख रहा हूँ, सुषमा जी है, अभय जी है, निशांत है, अशोक पंडित जी है, बहुत सालों से वे डट के यहाँ खड़े लड़ रहे कि प्रोड्यूसर के लिए कुछ किया जाए, आसानी हो जाए, उनकी दिक्कतें कम हो जाए। और अभय जी के साथ बैठ के हमने इतनी सारी बातें की। मैं तो बहुत जूनियर हूँ, मैं वैसे सीनियर हूँ एज एन एक्टर, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर मैं बहुत जूनियर हूँ, तो मैं काफ़ी चीज़ें मैं सुन रहा हूँ। और अभय जी का जो एक विजन है बहुत अच्छा है। क्या अभी इलेक्शन है तो ये अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ती है? उस पर मैं यकीन नहीं करता। हमें मालूम है हम जीत के आएंगे तब पता चलेगा हम क्या 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 करना चाहते हैं, अभय जी क्या करना चाहते हैं। और मैं तो वही बोला अभय जी को, अभय जी मैं तो मराठी इंडस्ट्री से हूँ, मराठी इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वहाँ भी बहुत से प्रोड्यूसर है, यहाँ मेंबर है, बहुत सी दिक्कतें हैं एज ए प्रोड्यूसर। मराठी, हिंदी, भोजपुरी वो बात नहीं करना चाहता मैं, एज ए प्रोड्यूसर सबको बहुत दिक्कत है। वो दिक्कतें कम हो जाएगी, पैंडेमिक के बाद तो बहुत दिक्कतें हो चुकी हैं। अभी भी फिलहाल बाहर आ रहे लोग, हमारे रोहित शेट्टी ने पहली फिल्म रिलीज की थी सूर्यवंशी, उसके बाद थिएटर शुरू हुए, वो भी 50% में शुरू हुए थे, अब 1 अप्रैल से 100% शुरू हुए। उसके बाद भी दिक्कतें हैं, वो हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, अभय जी सुलझाने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ हम खड़े रहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि इम्पा बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोड्यूसर्स की संस्था है ये, और बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम प्रोड्यूसर्स के लिए होते हैं, कर किए जाते हैं। इस बार हमने सारे प्रोड्यूसर्स ने मिलके इलेक्शन से 9 तारीख को हमने डिसाइड किया कि हम एक ग्रुप बना के, अभय जी जो हैं, सिन्हा साहब जो फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी नामचीन प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी फिल्में बना रहे हैं, बना चुके हैं, तो एक ऐसा शख्स उस कुर्सी पे हो, प्रेसिडेंट की कुर्सी पे, जो लगातार काम करता रहा है, इंडस्ट्री के लोगों के दुख दर्द सुख को जानता हो, ज़मीन स्तर पे समझता हो चीज़ों को। और ऐसा जब शख्स प्रेसिडेंट बनता है तो उससे इंडस्ट्री के लोगों का काफ़ी फ़ायदा होता है और प्रोड्यूसर्स का फ़ायदा होता है। बदकिस्मती से पिछले 3 साल या पिछले कई साल हमारे ऐसे गुजरे कि जो प्रेसिडेंट थे उसके विज़न के नाम मामले में थोड़े कमज़ोर थे और चीज़ों को समझना नहीं समझने में थोड़ा वीक थे, और उनसे कुछ ज़्यादा कार्य नहीं हुए जहाँ तक इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स के, खास करके गरीब प्रोड्यूसर्स के कोई फ़ायदे हों। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार जो है बदलाव जो है वो चाहिए, और बदलाव से ही, क्योंकि क्या उनका कुछ लोगों का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है लाइफ में कि लगता है बहुत कुछ कर लिया हमने, तो वो नई सोच नहीं आती। तो अभय सिन्हा जो है नई सोच का प्रतीक है, नए थॉट्स का प्रतीक है, नए विजन का प्रतीक है, और इनकी जो पूरी टीम है, टीनू जी यहाँ खड़े हुए हैं, कुकू जी हैं, यूसुफ है, पूरी जो हमारी टीम है,
राजकुमार पांडे हैं, पूरी जो टीम जो खड़ी हुई है इस बार, वो सारे लोग विजन का प्रतीक है, सोचते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते हैं, नई नए कॉन्सेप्ट को सोचते हैं, नई नई चीज़ों को सोचते हैं और एक्टिव है, सब ग्राउंड लेवल पर एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि सामने जो हमारे ग्रुप खड़ा हुआ है उन्होंने पता नहीं कैमरा कब लास्ट देखा होगा या सेट उन्होंने लास्ट कब देखा होगा। तो जितने भी लोग हमारे हैं ये रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, जब तक आप ज़मीन पे नहीं काम करोगे, जब तक आप लगातार प्रोडक्शन नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, आपको एहसास नहीं होगा कि टेक्नीशियंस या प्रोड्यूसर्स जो हैं जो अपनी फिल्म बना के बड़ी मुश्किल से रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं उनके तकलीफ नो। तो इसलिए हमने कोशिश की है, हमने अभय जी को प्रेजिडेंट की कुर्सी पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें यकीन है कि वो प्रेजिडेंट इस बार, हम तो अनाउंस कर चुके हैं कि ये प्रेजिडेंट हैं और हमारे सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत के वापस आने वाले हैं, सामने से एक को भी हम जीतने नहीं देंगे। माहौल ऐसा ही है और माहौल ने हमको बोल दिया है, कुदरत ने हमको बता दिया है कि सामने से एक भी कैंडिडेट जीतने वाला नहीं है। और मैं अभय जी की तरफ से, टीनू जी की वजह से, राजकुमार जितने हमारे जो कैंडिडेट्स हैं हमारी टीम, उनकी तरफ से मैं कहता हूँ कि आप एक साल में इम्पा का बदलाव देखना, इम्पा की सोच देखना, इम्पा की ग्रोथ देखना और इम्पा की तरक्की देखना। तो आप लोग जैसे कि जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि तरक्की और बदलाव, तो आप किस तरीके के बदलाव देखना चाहेंगे इम्पा के अंदर? आप देखिए क्या है, अशोक जी ने इतना कुछ बता दिया है इम्पा के बारे में, बिकॉज़ दिस इज़ माय सेकंड टर्म और इतने सीनियर है अशोक जी, अबे भैया देखो जो प्रोड्यूसर जो ग्राउंड लेवल पे है उनको काम मिलना, उनका साथ देना, उनको अपने लेवल पे पहुंचाना, एक प्रोड्यूसर 100 फैमिली का रोजी रोटी चलाता है और जो बंदा बॉम्बे में रह के बॉम्बे के प्रोड्यूसरों का साथ देगा और बॉम्बे के प्रोड्यूसरों के साथ खड़ा होगा। आज जो देखो सुषमा जी ये एक्स प्रेसिडेंट है, अशोक जी इतने सालों से टीपी जी के साथ लगे हुए हैं, कुकू जी, पूरी जो गैंग है ये हम सब ने मिल के, राजकुमार पांडे जी, आज मैं मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन का 25 साल प्रेसिडेंट था, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने डिक्लेयर करता हूँ कि नई लहर, नई उमंग और नई तरंग के साथ इम्पा बाउंस बैक करने वाली है अबे भैया के नेतृत्व में। और ये आप 9 तारीख को आप लोग आके इसका रिजल्ट आप लोग खुद देख लेना अपने आंखों से। अबे सर आपसे पूछना चाहेंगे कि इम्पा के जैसे कि प्रेसिडेंट आप चुने जाते हैं, जो सर्व सर्वा आप रहेंगे, आपके हाथ में दौड़ रहे, तो आपका इसके लिए क्या विजन है, किस तरीके के आप बदलाव करेंगे और किस तरीके के आप लहर लेकर आना चाहेंगे? इम्पा 1937 की बॉडी है और मैं 11 साल से उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हम जो चाहते थे वे हमारे मन मुताबिक काम नहीं हो पाता था, इसलिए फर्स्ट टाइम हमको मौका मिल रहा है। आज सारे प्रोड्यूसर्स ने सब मिल करके बोला कि नहीं इस बार आप ग्रुप बना के चुनाव लड़ो, सब लोगों ने काफ़ी साथ दिया, टीनू जी, राजकुमार जी, सुनील भवना जी, गोगू कोहला जी, विनोद गुप्ता जी, सब ने साथ दिया कि नहीं इस बार आप चुनाव लड़ो। तो इस बार हम चुनाव के लिए नॉमिनेट सभी ने मिल के हमको किया। अब लहर ऐसी है कि अभी से ही लग रहा है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, और सारे प्रोड्यूसर का पूरा सपोर्ट आ रहा है और हम लोग ज़बरदस्त बदलाव करने वाले हैं, जो आज तक इम्पा में नहीं हुआ है, वो एकदम नई चीज़ ला रहे हैं ताकि प्रोड्यूसर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक प्रोड्यूसर्स जो है कहीं से भी पैसा लेकर के आता है और फिल्म बनाता है और उसको भी नुकसान हो जाता है, चला जाता है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एसोसिएशन से जितना मदद हम लोग प्रोड्यूसर्स को कर सके वे हम लोग करने का प्लान किए हुए हैं, योजना बना लेंगे। बाकी 9 तारीख को शाम को डिसाइड होगा कि क्या होगा। सभी प्रोड्यूसर लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि 9 तारीख को आइए और वोट दीजिए और हमारे ग्रुप को विजय बनाइए। जैसे कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की बात की जा रही है, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के लिए क्या इस तरीके के चीज़ें होंगी जो रुझान आपके पक्ष में और प्रोड्यूसर एसोसिएशन नॉट डायरेक्टर प्रोड्यूसर एसोसिएशन में हम लोग अभी कल भी हम लोग गुजरात में दिया, वहाँ चीफ मिनिस्टर को दिया तो बहुत सारे प्रपोजल दिया कि हर रीजनल में हम लोग हर रीजनल का हम लोग अवार्ड थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। आज तक 1937 से इलेक्शन इम्पा का हो रहा है, आज तक किसी भी इम्पा इलेक्शन के अंदर कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। आज अबे भैया का नाम इतना है कि अबे भैया जब वहाँ पहुँचे गुजरात में 120 आदमी के साथ चीफ मिनिस्टर साहब इनको रिसीव किया और इनको आवभगत किया। मतलब आप सोच लो इस आदमी का डंका यूपी बिहार से लेके गुजरात तक, गुजरात से लेके मुंबई तक,
अब देखिए ऑपोजिशन को, मुझे तो लगता है उनको चुपचाप बैठ जाने चाहिए आगे। अबे भैया आप बताइए, आने वाले समय में अभी गुजरात में हम लोग घोषणा करके हैं कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो वीक प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बच्चे के लिए जो भी पढ़ाई के लिए राशि होगा सारा इम्पा करेगी, प्लस इम्पा पूरा ध्यान रखेगी उनकी फैमिली के साथ। और हम लोग हर जगह, अभी गुजरात में हम लोग नया ऑफिस खोल रहे हैं, अभी लखनऊ में हम लोग खोल रहे हैं, पटना में खोल रहे हैं, पंजाब में खोल रहे हैं, ये प्लान है। और रीजनल में हर जगह इम्पा अवार्ड शो करेगी। राजकुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे अभी जी को? यही कहेंगे कि इम्पा में अब तक जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, अब उसको होना चाहिए। और जो बेसिक प्रॉब्लम प्रोड्यूसरों की रही है वो रही है कि अभी तक हमारे पास सिनेमा नहीं है, सिंगल स्क्रीन हो चुका है। सिंगल स्क्रीन के अंदर हमको फिल्में रिलीज़ करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जैसे बॉडी हमारी आती है, व्यसना ग्रुप आता है और एक बार हमारा पूरा पैनल आ जाता है, तो इस पैनल के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिनेमा हॉल्स के अंदर जो पिक्चरें, जैसे महाराष्ट्र के अंदर कंपलसरी है कि आप अपनी फिल्मों को, रीजनल फिल्मों को एक सिनेमा हॉल मिले, वैसे हमारी ये भी कोशिश है कि हम यूपी के चीफ मिनिस्टर और बिहार के झारखंड में सबको मिलें, उन लोगों को, और मिल के ये कहें कि हमारी फिल्में जितनी खूबसूरती से बनाई जा रही, जो बजट लगाया जा रहा है, प्रोड्यूसरों का जो लागत लग रहा है, निकलेगा कैसे, तो निकालने के लिए सिनेमा हॉल का होना ज़रूरी है। यानी जैसे महाराष्ट्र का जो सिस्टम है, उसी सिस्टम के तहत से वहाँ पर भी कंपलसरी किया जाए कि एक, कम से कम एक स्क्रीन कंपलसरी हमारे लिए भोजपुरी के लिए हो, और जो भी रीजनल फिल्में वहाँ पर जाती हैं या रिलीज़ होती हैं, उनके लिए कंपलसरी होना चाहिए। इसके ऊपर 100% देखिए, जब तक आप अकेले अगर कोई बात करने जाते हो तो शायद ना ही कोई सुन पाए, लेकिन इम्पा अपने आप में एक बॉडी है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। यानी इम्पा जो जितने प्रोड्यूसर्स हमारे हैं, वो जब वोट करते हैं, किसी एक पैनल को चुनते हैं, कोई एक आपका चेयरमैन बनता है वहाँ का, तो इसका मतलब होता है कि सबने अपना मत दे दिया, सब आपके साथ हैं, सबने हाथ से हाथ मिला लिया। तो हम सबका जो जैसे सारे प्रोड्यूसर्स आज की तारीख में चाह रहे हैं कि ये जो बॉडी है अभय सिन्हा जी की, जो ये ग्रुप है, ये जीत के आए, और एक बार जब वो चेयरमैन बन के आते हैं और पूरा ग्रुप, और चूंकि सारे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, इसके अंदर हर लोग अपने अपने विधा के, इवन प्रोडक्शन के सब मास्टर हैं, सब ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, सिनेमा को और चीज़ों को बदलने का वो लोगों के अंदर मादा है, ताकत है उनके अंदर कि बदल सकते हैं सिनेमा की चीज़ों को। तो अब यही चाहिए, और जब प्रोड्यूसर बदलाव लेकर आएगा तब बेसिक बदलाव आ पाएगी चीज़ों के अंदर। तो ऑलरेडी प्लानिंग में है, और जैसे हम लोग देखिए जब डायरेक्टर एसोसिएशन में भी आए तो इफ्टा को बहुत बेहतर तरीके से चेंज किए हैं। आज लगता है कि आप डायरेक्टर एसोसिएशन के अंदर घुसते हो तो लगता है कि नहीं, इसी तरह हम लोग इम्पा बॉडी को भी प्रोड्यूसरों की जो डोर टू डोर जाने का जो दिक्कत रही है, कोशिश किया जाएगा कि सारे एक साथ हों, हाथ से हाथ मिला के और आगे बढ़ें, और अपने सिनेमा को और आगे लेकर जाएं, इंडस्ट्री को और आगे लेकर जाएं। अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम को, अरे टीपी को समझ ही नहीं आया कि उसके हाथ में इतने हीरे थे, उनको उनकी कदर ही नहीं और उसकी समझ में नहीं आया। समझ का भी हेर फेर है, क्यों? ग्राउंड से जुड़ना पड़ता है आदमी को, वर्कर्स में जाना पड़ता है, तब उनका दर्द पता चलता है, तब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है आदमी, उसका तो उनको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। और जो इम्पा, इतना नाम था पहले इम्पा का, बहुत नाम था इम्पा, जब से ये टीपी आए हैं ये नीचे 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 ही जाते थे, उसकी मेन वजह ये थी उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस तरह। तभी जैसे अभी बीच में कोरोना हुआ तो हमारे वर्कर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर को हेल्प चाहिए, वो हेल्प के लिए सिर्फ जेब में हाथ डाला, हाथ डाल के पैसे निकाल के दिए नहीं, क्योंकि ये तो पैसे उनके ही है ना, पैसे हमारे नहीं, पैसे तो मेंबर्स के हैं, तो मेंबर्स की हेल्प ऐसे वक्त पे नहीं करो तो कभी करोगे? दूसरी बात है कि अभी जो हमारा एजेंडा, जो अभी अभय सिन्हा और हमारा ग्रुप है सारा, अभी हमारा मेन कंसल्टेशन है कि जो बच्चे हैं प्रोड्यूसरों के बच्चे, जो दोज हु आर नॉट डूइंग गुड, मतलब जो ऊपर नीचे होते रहता है हालात, तो उनके बच्चों के लिए जो एजुकेशन है उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे, उनको एजुकेट, पैसे की हेल्प होगी, और एक इंश्योरेंस पॉलिसी का हम लोग कर रहे हैं कि हर बंदा प्रोड्यूसर का इंश्योरेंस होना चाहिए। आज आप हॉस्पिटल में जाते हो तो पैसे तो ऐसे चने मुरमुरे की तरह चले जाते हैं, तो कम से कम अगर हमने अगर उनमें 5 लाख खर्चा किया तो 40% तो हमको इंश्योरेंस से मिल जाएगा और बाकी का इम्पा देगी ऐसे। तो ये सारे मुद्दे हम लोग लेके चल रहे हैं। और दूसरा, हम लोग ये चाह रहे हैं कि एजेड होम, एजेड होम, कई प्रोड्यूसर बेचारे एक वक्त पे आके जब उनकी पिक्चर नहीं चलती या टाइम के हालात के हिसाब से, फिर वो किस तरह बेचारे सर्वाइव करें, तो हम लोग एजेड होम भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी
ये मैं ट्रस्टी हूँ एजेड होम में लोनावाला में, सो वी आर प्लानिंग ऑल्सो कि प्रोड्यूसरों के लिए एक ऐसा घर बनाए जो बहुत ही नॉमिनल मिनिमम चार्जेस में उनको वहाँ रखा जाए, ऐसी यतीमों की तरह नहीं अच्छी तरह से लाइफ गुजारे, हर चीज़ हासिल हो उनको, ये हमारा मुद्दा है और इसको ही लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि ये अभी हम लोग यहाँ भी कहते गुजरात भी कहते, गुजरात में भी हम लोग ऑफिस खोलने वाले हैं, इम्पा का ऑफिस वहाँ भी एक खुलेगा और वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी प्लान आउट कर रहे हैं और जितने पीछे के तबके के प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम लोग हाथ दे के हेल्प करना चाहते हैं, जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं, उनके बच्चों को भी एजुकेशन में हेल्प करना चाहते हैं, ये हमारा मुद्दा है। और हमारे साथ टीम इतनी सॉलिड टीम है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि टीपी को हीरे की समझ ही नहीं आई, तो ये हीरे अभी सब एक एक उठ के आ रहे हैं, अभी दूसरा जो है नगीना हमारा हीरा ये है सुषमा जी, आइए। थैंक यू। देखिए मैंने तो मराठी फिल्में बनाई है और मेरी सारी फिल्में गोल्डन जुबली हैं, आप लोग जानते ही होंगे, और बॉलीवुड की भी फिल्में बनाई हैं। मैंने लास्ट फिल्म अजय देवगन को प्रोड्यूस भी की है, लिखी है, डायरेक्शन किया है मैंने मेरी फिल्म में। और जितना हम जानते हैं प्रोड्यूसर की हालत, जो तकलीफें हैं प्रोड्यूसर्स की, और जहाँ तक मेरी अपनी ज़िंदगी मैंने तो प्रोड्यूसर्स के लिए दे दी है और पूरा मेरी ज़िंदगी का हर मिनट उनके काम में मैं लगाना चाहती हूँ। लेकिन अब हम लोग इतना अच्छा काम करेंगे, जैसे कि अभी कई प्रॉब्लम्स है, OTT प्लेटफॉर्म के प्रॉब्लम्स है, सेंसॉर के प्रॉब्लम्स है, अभी फिल्मों को जैसे सेंसॉरिंग है, OTT प्लेटफॉर्म को कोई सेंसॉरिंग नहीं है, वेब सीरीज़ को कोई सेंसॉरिंग नहीं है, तो वो एक आवाज़ मैंने उठाई है वहाँ पे कि अगर वहाँ सेंसॉर नहीं है तो यहाँ सेंसॉर क्यों है, वहाँ तो फिल्मों में जितना नहीं दिखाते उससे ज़्यादा चौगना वहाँ पे दिखाते हैं। तो हमने वो एक प्लेट डाली है और हो सकेगा बहुत जल्दी उसका रिज़ल्ट आ रहा है, क्योंकि बात हमारी पहुंची है गवर्नमेंट तक और गवर्नमेंट शायद इन चीज़ों को थोड़ा ये दे देगी। ये जो इलेक्शन क्या मत है, क्या राय है, किस तरीके का होना चाहिए, अभय सिन्हा भी जो प्रोड्यूसर है ये मेरे ख्याल से बहुत सालों के बाद में एक प्रोड्यूसर जिसकी अपनी 100 फिल्में हैं, वो इतने एक साथ अगर लंदन जाते हैं तो 15-15 फिल्में शूट करके आते हैं, ऐसा प्रोड्यूसर आज हमारे इम्पा को प्रेसिडेंट मिल रहा है, जो वो रीजनल की तकलीफें जानता है, फिल्म की तकलीफें जानता है, टेक्नीशियंस की तकलीफें जानता है, और जो आदमी इतनी सारी फिल्में बना रहा है तो वो फिल्म प्रोड्यूसर का प्रेसिडेंट बनने का हक रखता है। थैंक यू। पूरी इंडस्ट्री की आवाज़ है, क्या कहना चाहेंगे रत्नाकर जी, आपके साथ इस बार बॉडी में हैं तो किस क्या बताना चाहेंगे? इस बार हम लोग की बहुत ही स्ट्रांग ग्रुप बनी है, कोई हम लोग को हरा नहीं सकता, और 15 सालों के बाद इतने स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, सब कुछ साथ दे रहे हैं। इस बार हम लोग बड़े से बड़े काम सारे प्रोड्यूसर्स के लिए करेंगे, जो कि कोई भी गरीब प्रोड्यूसर हो, कोई भी वीक प्रोड्यूसर हो, ताकि इस संस्था से काफ़ी खुश रहेगा। जैसे कि अभी मेरी बात चल रही है, उन्होंने बताया कि पैंडमिक के टाइम पे ना कुछ उनको तकलीफें थी, तो उन तकलीफों का निवारण नहीं हो पाया इम्पा के तरफ से, तो क्या आपके द्वारा ऐसा कुछ मिला था, राशि मिला था इम्पा से सभी प्रोड्यूसर्स को, और सारे ग्रुप ने मिलकर डिसाइड किया था, लेकिन बट जो मिलना चाहिए नहीं मिला था, सब कमेटी की डिसाइड थी, अध्यक्ष की डिसाइड थी। अब हम लोग की नई ग्रुप आएगी, कभी कुछ भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कुछ होगा तो सारे लोग उसमें स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर हैं आज के दिन में, तो कुछ अपने पास से भी हम लोग मदद करेंगे। मल्टीप्लेक्स के बारे में आप कुछ कर पाएंगे? मल्टीप्लेक्स के लिए गुजरात में कल चीफ मिनिस्टर से हम लोग की मीटिंग हो गई है, जितने भी सिंगल स्क्रीन है उसमें ही लोग गुजराती फिल्म चलती है, और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी मल्टीप्लेक्स है उसमें 100 प्रीमियम था, जैसे महाराष्ट्र में, पंजाब में, बंगाल में और साउथ में चल रहा है, तो उस तरह यहाँ भी लगे, बिहार में, UP में और गुजरात में लगे। जिस तरीके का कहा जाता है कि भोजपुरी फिल्में पारिवारिक तौर पर या
परिवार के साथ बैठ के नहीं देखी जा सकती ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं वे अच्छी और पारिवारिक फिल्म बनाती है। जो लोग पहले होता था उस जगह से नहीं है, वो जो लोग साउथ से आ गए, कुछ लोग पंजाब से आ गए, तो वे लोग उस तरह की फिल्म बनाते हैं, सोचते हैं कि वल्गर भी बनाने में फ़ायदा है। ऐसा कुछ भी, पारिवारिक फिल्म बनाइए, भोजपुरी का पारिवारिक फिल्म, वहाँ की मिट्टी का खुशबू दीजिए, वहाँ की ज़मीन से जो जुड़े हुए लोग हैं उस पर बनाइए, पिक्चर चलेगी। क्या कहना चाहेंगे सर अभय जी के बारे में? एक बदलाव है, अब इंडस्ट्री जो है एक अलग मोड़ पे जा रही है, और पूरी जो जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है उसका इलेक्शन है, तो लोगों से यही अपील है कि पहले एक हो, क्योंकि जो 15 सालों में आपको नहीं दिखेगा वो अब दिखेगा, है ना। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, और जो भोजपुरी की एक इंडस्ट्री है, जो उनके प्रॉब्लम 15 सालों में सॉल्व नहीं किए गए, वो चीज़ को अब लेके आएंगे, है ना। क्योंकि जो चीज़ें नहीं हुई उसी के लिए इतना बड़ा जो एक जो ग्रुप बना है वो उसी के लिए बना है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाए इन इतने सालों में इम्पा में, वो अब देखने को मिलेगा। और एक इंडस्ट्री बहुत डेवलप की है इस लास्ट 3-4-5 सालों में, इन्होंने जो इंडस्ट्री को लेके गए वो किसी को बोल करके नहीं किया, इन्होंने डेवलपमेंट की है, तो ये इंडिविजुअली किया है। जो हम लोगों ने किया वो सब लोगों ने इंडिविजुअली किया, बट उस चीज़ का असर जो है वो इम्पा जो ग्रुप है उसमें उनको नहीं दिखता है। तो उसकी वजह से इस बार जो इलेक्शन का जो प्लान किया गया इसमें कि सब पहले एक तरफ हों और उसको एक अच्छे तरीके से प्रोड्यूसर्स को कन्विंस करें कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि सॉल्व करने वाला है नहीं कोई अभी तक। तो ये सब जो तकलीफें थी उनको उसको दूर करने के लिए सब लोग एक साथ ही जुड़े हैं। तो अभय जी, आपको लगता है कि अभय जी बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि इंडस्ट्री को इन्होंने इंडिविजुअली आगे लेके गए, किसी के हेल्प की वजह से नहीं लेके गए, या कोई बोलता है वो उसकी वजह से नहीं लेके जाते, या हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किसी के बोलने से नहीं करते। किसी इम्पा ने आज तक हम लोगों को कोई हेल्प नहीं किया, तो अब कोई भी अगर प्रेसिडेंट अगर बनते हैं, अगर ये, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो डिसाइड करता है, आप अगर प्रेसिडेंट नहीं हैं, वो चीज़ को समझना एक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडस्ट्री का आदमी जो बिजनेस को आज इतने ऊंचाइयों पे लेके गया है, अगर वो बनता है तो वो एक अच्छी चीज़ को लेके आएगा, उन जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेगा। आप ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बनाएंगे जिसको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ का, तो एक डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ चीज़ जो है वो नहीं होगी। तो प्रोड्यूसर्स में बने और उनकी एक कैपेबिलिटी है, 400-500 फिल्में जो लोग के नज़रियों से गुजरा है, तो कुछ तो बात होगी, है ना। आज हर एक आदमी जो चाहता है, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा आप कैसे चलाओगे आप, तो उसके लिए बदलाव है। वो चीज़ अब जो है इम्पा में एक बदलाव आएगा, वो बहुत बड़ी बात है। तो टीपी जी ने इतने सालों में आप कहना चाहेंगे कि मतलब कुछ हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, किसी को हेल्प नहीं हुआ। जो प्रोड्यूसर्स को चाहिए था कि डेवलपमेंट हो, उन्होंने जो काम किया वो उनका हम जिक्र नहीं करते। हम क्या करने वाले हैं उसकी बात करेंगे, जो हम सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट, जो नई नई चीज़ प्रोड्यूसर्स के जो हेल्प होंगे वो हम लोग लेके आ रहे हैं। बड़े नए नए चीज़ों हैं और सब लोग एक्सपीरियंस आदमी हैं। इस बार जो जुड़े हैं वो सब काम करने वाले लोग हैं, जिसने कम से कम 50-100 पिक्चर बना दिया उन्होंने, तो वो चीज़ें हैं। तो सर आगे की कैसी प्लानिंग रही किस विषय में? आगे हम लोग बहुत लंबा चीज़ सोचे हुए हैं, आपको थोड़ा देर पहले बताया भी मैंने, और टीपी जी 16 साल रहे, उन्होंने काम किया, लेकिन बट काम करने के लिए पूरी एक टीम होती है। उनके टीम में बहुत सारे स्लो लोग थे जिसके कारण नहीं हो पाता था। टीपी जी दिल्ली रहते थे 15 दिन बॉम्बे रहते थे, तो जिसके कारण उतना जो एसोसिएशन पे ध्यान देना चाहिए नहीं दे पाए, और उनके टीम में उतने लोग नहीं थे जोश वाले जो कि काम कर पाए। तब इस पर हम लोग जो भी टीम लेके आ रहे हैं सब रनिंग प्रोड्यूसर हैं, सब रनिंग प्रोड्यूसर्स हैं। तो इम्पा की तरफ से कुछ ऐसी सहूलियतें हो सकती है, जैसे आप लंदन या दूसरे देशों में फिल्में बनाते हैं, तो उनको किस तरीके से आपके द्वारा? इम्पा में अभी हम लोगों ने अनाउंस किया गुजरात में कि गुजरात में फर्स्ट इंटरनेशनल गुजराती अवार्ड हम लोग दुबई में करेंगे नवंबर में, 25 नवंबर को हमने टाइम भी अनाउंस कर दिया गया, हमारी टीम आती है तो करेंगे। बाकी अगर वहाँ सक्सेस हो जाता है तो हर स्टेट का हम लोग इंटरनेशनल अवार्ड इम्पा के द्वारा इम्पा के नाम से ही करेंगे। प्रोड्यूसर को सहूलियती मिलेगी, बहुत सहूलियती मिलेगा, क्योंकि हम लोग पेन जानते हैं प्रोड्यूसर्स एज ए प्रोड्यूसर्स कि उनके पेन क्या है, जो उनकी सहूलियती क्या है, तो वो बहुत ईजिली होगा क्योंकि समझ ही आना चाहिए ना कि प्रोड्यूसर्स जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को आप समझ लो तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है। बट अभी एक भी प्रॉब्लम अभी तक तो सॉल्व हुए नहीं है, जो अभी जितने उनके कार्यकालों में जो हुआ है, तो वो अब बदलाव दिखेगा, है ना। बदलाव इसलिए दिख रहा है क्योंकि सारे प्रोड्यूसर अब जो है वो एकजुट हो गए हैं और वो इस बार बदलाव लाएंगे, बस यही उम्मीद है कि अच्छा हो और प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छा हो।
थैंक यू थैंक यू सर जी की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। तो इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा ग्रुप है अभय सिन्हा जी का ग्रुप, क्योंकि हम लोग एक बदलाव के लिए लड़ना चाह रहे हैं और पूरी इंडस्ट्री चाह रही थी एक बदलाव, प्रोड्यूसर्स जो चाह रहे थे वो अभी इस बार होगा और प्रूफ होगा इस बार जब हमारी जीत होगी। इसके बाद काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत की है, हर आदमी एक चीज़ बोला एक प्रोड्यूसर का दर्द, आप भी एक प्रोड्यूसर है तो मैं जानना चाहूँगा आप क्या कहते हैं। सी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज है और ये मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन इस तरह से बोलना सही रहेगा, और जब हम लोग काम करने के लिए उतरेंगे और जब टीम हमारी काम करेगी। नहीं नहीं, किस तरीके मतलब समस्याएं होती हैं? समस्याएं हैं बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम ये थी कि भाई हमारा पहले आज तक मैं भी बहुत सालों से हूँ, और बेसिकली क्या है कि अभय जी एक ऐसे इंसान है जो बहुत ईजी अवेलेबल है, अपनी प्रॉब्लम उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं 20-22 साल से उनको जानता हूँ, जानने के बाद में इतने सालों से वो गेम में रहे, लेकिन क्या होता है कि कुछ सालों तक जो हमारे पीछे के ये थे तो उनके साथ में मिलना ही, अपनी प्रॉब्लम बताना ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत मतलब एक प्रोड्यूसर का जो प्रॉब्लम होता है ना, मतलब आदमी हर इंसान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ता है, जबकि हम प्रोड्यूसर हैं, हम पैसे लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम जो ना उनके साथ में कैसे शेयर किया जाए, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम हैं, वो तो जब बोलने जाएंगे तो सारे प्रॉब्लम हम लोग पब्लिकली इस तरह से ऑनलाइन बोलना सही नहीं होता है। चीज़ों को जब हम लोग अपनी जगह पे आएंगे, जब बोर्ड में हम लोग आ जाएंगे, इसके बाद डेफिनेटली उसको सीधा चेक करने को कुछ नया चेंज नया काफ़ी कुछ चीज़ें स्मूथ होंगी, चूँकि ईजी एक्सेस है, सभी लोग हम लोग जितने लोग हैं प्रोड्यूसर्स के ईजी टच में रहते हैं हम लोग, और ऑलमोस्ट एज ए बायर एज ए प्रोड्यूसर हम लोग हैं, अभय जी हैं, चूँकि अभय जी ने इस लेवल पर काम किया, इंडस्ट्री को यहाँ तक लेकर आए हैं, तो चीज़ें डेफिनेटली काफ़ी स्मूथ हो जाएंगी। अभय जी के बारे में अगर एक शब्द में आप कहना चाहें तो क्या बोलेंगे? मिलनसार, बहुत इजी अवेलेबल, क्योंकि एक फिल्म इंडस्ट्री में जो है ना ईजी अवेलेबल बहुत जल्दी होता नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे पहुंचने के बाद में आदमी बहुत गैप आ जाता है, लेकिन उनमें वो बात नहीं है कि उनमें गैप है, वो आप जब भी चाहें कोई भी इंसान जो है ना उनसे दो मिनट में मिल सकता है। इवन उन्होंने जो अपनी टीम तैयार की है इसमें आप देखेंगे जितने लोग हैं सभी इजी एक्सेस है, किसी के साथ आप इजीली टच में आ सकते हैं। मुझे नजर आ रहे हैं दिग्गज, नहीं बोलेंगे हम लोग दिग्गज, नहीं बोलेंगे किसी को भी दिग्गज हम नहीं कहते, इसको बोलते हैं कि सब अपने प्रोड्यूसर्स के लोगों के लिए काम करने वाले लोग, हम आप जिस तरह हमें जानते हैं या बॉबी जी को आप जानते होंगे, हम लोग हमेशा प्रोड्यूसर्स के सपोर्ट में रहते हैं, उनको साथ देने की कोशिश करते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो फाइनेंशियल हो या अदरवाइज में जो भी रास्ते होते हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस बॉडी के थ्रू आप लोग कौन कौन सी ऐसी समस्या उठाएंगे या समाधान करना चाहेंगे जिनका पिछले बॉडी ने वो वेट कीजिए, चीज़ों को आने दीजिए, ये अभी कहना ठीक नहीं होगा, चीज़ों को वेट करते हैं क्या क्या समस्याएं हैं, कि उस समस्याओं को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। और आने वाले कितनी उम्मीद है, जैसे कि इनका नारा है हमारी जीत है, सभी चाहते हैं कि हमारी जीत हो, और डेफिनेटली हम भी चाहेंगे हमारी जीत हो इसमें, मतलब ये हमारी जीत नहीं होगी, पूरे पूरे इंडस्ट्रीज की बोझ ये प्रोड्यूसर की, ये मैं या ये नहीं बोलते हम, हमारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी पूरी यूनिटी है, पूरे प्रोड्यूसर्स हमारे साथ, पूरे प्रोड्यूसर की जीत है, अगर हम लोग जीत रहे हैं तो पूरे प्रोड्यूसर की। अगर आप बदलाव चाहते हैं, प्रोड्यूसर्स अगर बदलाव चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारी जीत होगी। थैंक यू सर। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।